जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। साथियों, लेकर आ चुका हूँ फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड का मेडिकल होता है INS चिल्का में, जो कि फाइनल मेडिकल होता है आप सभी लोगों का। अग्निवीर नेवी MRSSR का जैसा कि मेडिकल होने वाला है, तो आप सभी लोग कैंडिडेट्स का एक ही कमेंट आ रहा था कि भैया एक वीडियो बना दीजिए सेपरेट, जिसमें पूरी जानकारी दीजिए मेडिकल से रिलेटेड, INS चिल्का में किस तरीके से मेडिकल किया जाता है। तो मेरे साथियों, आप सभी को एकदम जेन्युइन और एकदम सटीक एंड रियल इन्फॉर्मेशन आप सभी को बताऊँगा। और हाँ, आप सभी का मतलब जितना भी डाउट है ना मेरे दोस्त, मेडिकल में कैसे होता है, कैसे क्या क्या चेक करेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स चेक होंगे, क्या क्या बॉडी पार्ट्स चेक होंगे, ये सभी जो भी डाउट्स है ना, आपका पूरा डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना मेरे दोस्त। आपका जो भी अग्निवीर नेवी MRSSR का मेडिकल होने वाला है, बिल्कुल आप एकदम आसानी से क्लियर कर लोगे, एकदम देख लेना भाई। देखो, जिस तरीके से आप मेडिकल सॉरी जिस तरीके से आप रिटर्न का तैयारी किए हमारे चैनल के माध्यम से, फिजिकल का भी मतलब आपको गाइडेंस मिला, तो भाई प्लीज़ आप लोग ये मेडिकल का जो गाइडेंस है ना, ये पूरा एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि अगर ये पॉइंट है तो आपको ऐसे करना चाहिए, या फिर मतलब कौन कौन सी सावधानियाँ मेडिकल में रखनी चाहिए, या फिर अपना मेडिकल से पहले क्या क्या करना चाहिए, भाई मैं सब चीज़ बताऊँगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और मेरे दोस्त, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, बाकी इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में फैला दो। चलिए बात करते हैं मेडिकल से रिलेटेड, INS चिल्का फाइनल मेडिकल आप सभी का कैसे होता है, नेवी का मेडिकल कैसे होगा। सबसे पहले मैं उन सब चीज़ों को डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले मतलब उन सब चीज़ों को डिस्कस करूंगा जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है ना, जिनका महत्व बहुत ज़्यादा है। मीन कहने का मतलब जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है, इवन मतलब अगर उसमें दिक्कत है तो आपको सीधे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। पहला चीज़ है मेरे दोस्त, आप सभी लोग जैसा जानते हो, इंडियन नेवी मतलब नेवी मीन्स मतलब भारतीय नौसेना। कहने का मतलब एक चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, भारतीय नौसेना मतलब पानी से रिलेटेड, इतना तो समझ में आ रहा है ना। और हाँ, आप जब भी मतलब स्विमिंग करोगे तो आपका कान से पानी नहीं घुसना चाहिए, इवन उनको कान जो है ना बहुत अच्छा कान चाहिए, कान का जो हेल्थ है ना, व्यक्ति का कान का जो हेल्थ है ना बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। उन्हीं सभी कैंडिडेट्स को लिया जाएगा जिनका कान अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कान का कैसे कैसे टेस्ट होगा। कान का एक टेस्ट होगा आपका हियरिंग टेस्ट होगा। जैसे आपको 10 मीटर की डिस्टेंस पर आपको कर दिया जाएगा पीछे की ओर मुंह करके, और आपको 10 मीटर दूर से कोई ऑफिसर बोलेगा जैसे 92 मीन्स 92, तो आपको कस कर बोलना है, पूरा जोर से बोलना है 92 आपने बोला। हाँ, अगर कोई फिर बोलेगा एप्पल मीन्स, इसका मतलब हुआ आपको जोर से बोलना है एप्पल, इस तरीके से आपका हियरिंग टेस्ट होगा। तो ये एक कान का ये पहला टेस्ट हुआ। देखिए, ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पहले ही बता देता हूँ। और हाँ, जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, एक इन्फॉर्मेशन नहीं छूटेगा, बल्कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही बताऊंगा। और हाँ दोस्त, मेरे दोस्त, आप सभी लोग को बता दूं कि कान का मतलब आपका जो चदरा होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडियन नेवी के लिए। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो, एक चीज़ यहाँ पर गौर करना, यहाँ पर देखो कान का जो चदरा है ना, यहाँ पर मतलब फटा नहीं होना चाहिए, जो कान का जो चदरा है आपका फटा नहीं होना चाहिए। यदि ये फटा है, अगर आप स्विमिंग करते हो तो आपका कान के रास्ते से पानी जाएगा जो ब्रेन को भी प्रभावित करेगा, तो इसलिए ये जोखिम इंडियन नेवी कभी नहीं करती है। जैसे कान जिनका ख़राब है उनका एकदम परमानेंट तो नहीं मतलब अनफिट किया जाता है, लेकिन हाँ आपको पॉइंट बनाकर अनफिट कर दिया जाता है। बाकी आपका कान का चदरा फटा होगा तो फिर आप रीमेडिकल में भी फिट होने का चांसेस कम होता है। देखिए, इसका मतलब क्या, कान में कौन कौन सी बीमारियां होती है। एक होता है ड्रम मीन्स परफोरेटेड मतलब एकदम फदफदा, मतलब एक तरह से आपका कहने का मतलब भाई लिक्विड, जानते होंगे ना, आपका लिक्विड जैसा कान से मवाद निकलता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी भाई, क्योंकि मवाद निकलने का एक ही कारण होता है आपका ईयर ड्रम, मतलब ड्रम का मतलब छेद। इस तरीके से देखिए, एक इससे पहले आपने देखा कि कितना फ्रेश था, अगर भाई ये बंदा जो है जिसका भी ये ईयर है, मतलब ये बंदा को इंडियन नेवी रखती है, तो भाई इसके कान के हिसाब से पानी जाएगा,
कान के रास्ते से पानी जाएगा और ये बंदा खुद अपने आप में मतलब इसका बॉडी को इंजरी हो सकता है, मतलब कहने मतलब ये मेंटली रूप से बीमार हो सकता है भाई। तो ये चीज़ें हैं, मेन आपका जो है ईयर टेस्ट होता है भाई। इतना अच्छा से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना बस। ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो है और इसके बाद मैं मेडिकल से रिलेटेड कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो पहला हो गया आपका ईयर, दूसरा हो गया नोज। नोज का क्या महत्व है भाई? तो पहला चीज़, आप फौजी हो, आपका जो ब्रीथिंग है ना, आपका ब्रीथिंग ब्रेक नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो है डेविएटेड नोजल सेप्ट्रम है, मतलब कहने का मतलब आपका जो नाक है ना, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो ये नाक का रास्ता है टेढ़ा हो गया है, जो श्वास नली है टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा मतलब ये जो है एकदम सीधा होना चाहिए इस तरीके से, ताकि कोई मतलब श्वास लेने में तकलीफ नहीं हो। बाकी देखिए, नोज में होता है डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है, आप लोग समझ गए होंगे, डीएनएस का मतलब होता है जैसे आपका नाक का हड्डी बढ़ जाता है, जैसे नाक के किसी किसी का हड्डी जो है बढ़ जाता है, दर्द करने लगता है, तो इस केस में डीएनएस का पॉइंट आपको दे दिया जाएगा, डीएनएस का पॉइंट दे दिया जाता है। और डीएनएस का ऑपरेशन होता है, अगर जिनका भी डीएनएस का पॉइंट है आप ऑपरेशन करा सकते हैं। हाँ, ऑपरेशन हाल फिलहाल का ऑपरेशन नहीं लिया जाता है, कोई भी एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी चीज़ का ऑपरेशन मतलब इंस्टेंट ऑपरेशन अगर कराते हैं, जैसे जैसे आप 10 दिन पहले ऑपरेशन करवाए हैं, मतलब कहने का मतलब लेटेस्ट ऑपरेशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। जो भी है ऑपरेशन जो है लेटेस्ट अलाउड नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। जो भी है, कम से कम आपका 6 मंथ्स पहले का, 6 महीने पहले का ऑपरेशन, 6 महीने पहले का ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। 6 महीना पहले का ऑपरेशन कम से कम आपका होना ही चाहिए। तो इतना तो समझ में आया ना मेरे दोस्त। बाकी ये ईयर का आप लोग समझ लिए, नोज का समझ लिए, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आँख भाई, आई का क्या इंपॉर्टेंट है भाई? एक फौजी हो, आपको दिखाई अच्छा देना चाहिए, ताकि आप मतलब जो भी है आप अपने ड्यूटी पीरियड में एक अच्छी ड्यूटी कर पाएँ, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो, ये जो चार्ट होता है ना, ये चार्ट के सामने आपको 10 मीटर, लगभग 10 मीटर दूर, 10 मीटर यानी यही 30 फीट के राउंड में आपको खड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड यहाँ पर ऑफिसर रहेगा, आपको पूछेगा कि ये वर्ड क्या है, तो आपको यहाँ से जवाब देना है, देखकर जवाब देना है। मतलब यहाँ पर देख सकते हो, ये जो वर्ड है ना, कहने मतलब ये जो बड़ा वाला अगर लेटर बताते हो, तो ये जो है यहाँ पर देखिए 6x6 है, यहाँ पर 6x9 वर्ड है, यहाँ पर 6x12 है, यहाँ पर 6x18 है। मतलब जो सबसे छोटा बताएगा ना, सबसे छोटा वाला जो पढ़ देगा ना, उसका आँखें 6x6 है। इस तरीके से यहाँ पर चेक होता है, ठीक है ना मेरे दोस्त, ऐसे ही होता है। बाकी आँख में बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, वो सभी चीज़ मैं बताऊँगा। ये मेडिकल से रिलेटेड भाई, कहना मतलब ये मेडिकल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मतलब आपको पूरा चीज़ें बताया जाएगा। देखिए, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होता है, कलर विजन। यहाँ पर देख सकते हो, कलर विजन में बहुत लोग आउट होते हैं। और ये देखिए, ये एक जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, ये अनुवांशिक बीमारी है। अगर आपके फादर को कलर विजन है तो आपको भी हो सकता है, ऐसा है। तो भाई ये मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता है, बट हाँ, इसके भी थेरेपी हैं, इसके भी मतलब कुछ उपाय हैं, जैसे ब्रेन थेरेपी होता है कुछ है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करवाया जाता है, तो आप मतलब फिर आप कलर विजन का जो पॉइंट है इससे बच सकते हैं। आपको इसमें क्या है, इसमें सीधे सीधे आपको पढ़वाया जाएगा कलर विजन में। मान लीजिए ये चार्ट है, इसमें 48 लिखा हुआ है, आपको कहेगा ऑफिसर कि ये क्या लिखा है, तो आपको सीधे बताना है 48 लिखा हुआ है। बाकी देखिए, इस तरीके से रहेगा। एक चीज़ मैं और यहाँ पर ही मैं कलर विजन चार्ट बना देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है ना मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे बहुत सारे डॉट बॉल रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे डॉट बॉल रहेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा इस वीडियो में, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये डॉट बॉल हैं। और भी कुछ कलर्स के डॉट बॉल हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे
निकल गया, तो आपको सीधे सीधे ऑफिसर बोलेगा कि ब्लू कलर का लाइन कहाँ से कहाँ तक गया है। तो यहाँ पर सीधे आपको सिंपली जैसे जैसे ब्लू कलर का लाइन गया है ना, तो आपको बताते चलना है कि ऐसे गया है, आपको इस रास्ते के तरफ से जाना है और निकलना है। तो भाई इस तरीके से होता है कलर विजन टेस्ट। इतना अच्छा वीडियो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, बस आप एक बार लाइक कर दो। बाकी देखिए डेंटल से रिलेटेड मैं इस वीडियो में बताता हूँ। वैसे देखिए दांतों के पॉइंट्स होते हैं, जो पीछे के तीन दांत होते हैं ना, और इधर का तीन दांत, मतलब इसका ज़्यादा पॉइंट होता है, इसका दो दो पॉइंट होता है, और इधर आगे का दांत का एक एक पॉइंट होता है। ऐसे पॉइंट्स होते हैं, मतलब 14 डेंटल पॉइंट होते हैं, 14 डेंटल पॉइंट होते हैं, 14 डेंटल पॉइंट होते हैं डिफेंस में, जैसे खासकर इंडियन नेवी में, इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो कहने मतलब मेरे साथियों, दांत भी आपका एकदम बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खाना मतलब पहले खाओगे, मतलब खाना आप थोड़ा फास्टली खा सकते हो, फिर से दांतों का बहुत तरह का डिफेंस बेनिफिट्स है, तो इसलिए दांत भी आपको एकदम अच्छे होना चाहिए। ये नेवी के मेडिकल स्टैंडर्ड में होता है, दांत के भी बहुत ही अच्छी से चेकिंग होती है, जैसे आपका 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए, दांत टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, फिर से ये सब चीज़ें हैं। और दांत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो दिक्कत है, बाकी थोड़ा मोड़ा रहेगा, मेरा भी टेढ़ा है, मेरा कोई दिक्कत नहीं हुआ था। बाकी यहाँ पर देखो मेरे एक दांत है ही नहीं, तो एक दांत अगर नहीं है ना कोई, तो भाई एक दांत से कोई दिक्कत नहीं होता। मान लो भाई एक बाल्टी पानी है और इसमें से एक एक जग आप पानी निकाल लिए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल घटेगा। कहने का मतलब यहाँ पर 14 डेंटल पॉइंट्स होते हैं, तो 14 डेंटल पॉइंट्स उनको बस पूरा करने हैं, 14 डेंटल पॉइंट ही चाहिए उनको। ऐसा नहीं कि आपका टोटल दांत होना ही चाहिए, बस आपका 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। और साथियों मैं दांत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, एकदम सेपरेट बताया हूँ किस दांत का कितना पॉइंट होता है, कौन सा दांत टेढ़ा मेढ़ा मिसिंग, मतलब दांत पर ही एक सेपरेट वीडियो है, यहाँ पर देख सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड एंड नेवी के लिए मतलब सेपरेट वीडियो है ये दांत से रिलेटेड, मतलब सिर्फ और सिर्फ टीथ से रिलेटेड ये वीडियो है, ठीक है ना, ये टीथ से रिलेटेड वीडियो है। तो इस वीडियो को जल्दी से जाओ देखो, ये सभी वीडियो जो मैं डाला हूँ ना, ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। और देखो भाई नेवी और कोस्ट गार्ड इसका मेडिकल से रिलेटेड INS चिल्का में किस तरीके से मेडिकल होता है, तो इसका एक मतलब सेपरेट प्लेलिस्ट है, 10-12 वीडियो हैं उसमें। अगर वो 12वां वीडियो आप देख लेते हो ना, तो मैं इतना तो दावा कर सकता हूँ ना कि आपका मतलब मेडिकल 100% क्लियर होगा, इतना समझ लो मेरे दोस्त। ये हुआ दांत का, बाकी क्या होता है, बाकी आपका ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में किस पर्पज से ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट आपको ब्लड चेक किया जाएगा, ऐसा नहीं आपको पता भी है ना कि हाँ मेरा जैसे मेरा ब्लड ग्रुप मान कर चलो बी पॉजिटिव है, तो मैं सीधे कहूँगा कि मेरा सर बी पॉजिटिव है, तो वो अपने हिसाब से चेक करेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है या फिर ओ है, मतलब जो भी है ओ निगेटिव है, कहने का मतलब वो अपने हिसाब से चेक करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ब्लड ग्रुप चेक करने का मतलब कि आपके ब्लड में डिफिशियंसी है, क्या रोग बीमारी है, मतलब वो सब नहीं होता, बस चेक किया जाता है जस्ट लाइक आपके आइडेंटिफिकेशन पर्पस, जस्ट कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जैसे ए बी है या फिर ओ है या फिर ए है या फिर बी है, मतलब ये चीज़ें यहाँ पर देखा जाता है, सिंपली आपको पता किया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है ना, ये चीज़ें होती है, तो ज़्यादा घबराने की बातें नहीं है। बाकी यूरिन टेस्ट होता है, तो यूरिन टेस्ट में थोड़ा मोड़ा वो लोग कुछ चीज़ चेक करते हैं। यूरिन टेस्ट में जैसे आपको एक डिबिया दिया जाएगा, डिबिया में जाना है आपको टॉयलेट में, आपको पेशाब करना है, तो भाई कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना पेशाब की जगह पर दूसरे का पेशाब करवा लेते हैं, भाई ऐसा कभी मत करना, हो सकता है उस लड़के का पेशाब में दिक्कत हो, तो अपनी किस्मत मतलब अपनी पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मारना सही नहीं है, मतलब जो भी पेशाब है अपना पेशाब करना। बाकी यहाँ पर देखो पेशाब जाँच में सबका लगभग क्लियर हो जाता है। और हाँ यूरिन टेस्ट से पहले एक काम करना, हम देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत मेरे भाई ऐसे होते हैं ना कि जो पानी बहुत ही कम पीते हैं, मिनिमम मतलब मान के चलो कि 1 लीटर भी पानी नहीं पीते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 लीटर भी पानी नहीं पीते हैं, सिर्फ खाना खाने के वक्त पानी पीते हैं, तो भाई इन सभी भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि मेडिकल से पहले 3-4 दिन पहले खूब पानी पियो, दो लीटर कम से कम, मिनिमम 2-3 लीटर तो ऐसे पी जाओ, 2-3 बोतल रोज़ पी जाओ। और हाँ
भाई मेडिकल होने से पहले पानी पी लेना, ताकि आपका यूरिन जो है ना इस तरीके का पीला ना हो। आपका यूरिन एकदम वाइट, मतलब हल्का पीला हो तो कोई दिक्कत नहीं, वाइट मतलब जो पेशाब का कलर होता है ना उस कलर का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हुआ यूरिन टेस्ट। तो बाकी जो भी है टिप्स, मैंने जो भी भाई कहना, मतलब ये सेल्फ एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मतलब मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ कि मैं आपको मतलब वीडियो बना रहा हूँ। भाई मैं आप सभी का दोस्त हूँ, आप सभी इन सभी चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो, बस आपका सब चीज़ क्लियर हो जाए। बाकी होता है ब्लड प्रेशर टेस्ट, मतलब बीपी, बीपी में किस तरीके से चेक हुआ होता है, ब्लड प्रेशर किस तरीके से चेक किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। एक फौजी का ब्लड प्रेशर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जैसे आप जानते हो कि ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, सिस्टोलिक में 120 और डाईसिस्टोलिक में 80 होना चाहिए। देखिए पाँच, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 इधर उधर रहेगा, 120 और 80 मतलब होता है ना 5-10 इधर उधर, प्लस माइनस प्लस रहेगा तो ठीक है, माइनस नहीं होना चाहिए। बाकी ये लोग अपने हिसाब से देखते हैं बीपी का चेक होता है। बाकी आप लोग कूल माइंड रहोगे ना तो आपका बीपी का पॉइंट नहीं बनेगा, आप एकदम बीपी में पास हो जाओगे। ऐसा अगर ज़्यादा टेंशन लोगे ना तो आपका बीपी मतलब बढ़ जाएगा। चलिए नौकनी, नौकनी से देखिए यहाँ पर नौकनी, नौकनी का मतलब होता है कि आपका जो है ना घुटना, ये घुटना से रिलेटेड एक डिफिशियंसी होता है, जैसे बीमारी ही कह सकते हैं मेरे भाई। देखिए नौकनी, कुछ लोग का पैर इस तरीके से इतना मतलब ज़्यादा गैप होता है, इसको बोलते हैं गैप, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो ये गैप को ही नौकनी बोलते हैं। और देखिए ये जो है ना ये नॉर्मल है, ठीक है ना, मतलब हर एक मतलब फिट इंसान को ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर जो है ना गैप होना चाहिए इस तरीके से, जो पैर है ना सीधा होना चाहिए ऐसा। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो पैर इतना वाइड हो रहा है ना, तो यही जो पॉइंट है ना इसी को नौकनी कहते हैं। बाकी नौकनी से रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप एक बार देख लो मेरे भाई, नौकनी से रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ। बाकी फ्लैट फुट आते हैं, फ्लैट फुट क्या होता है, ठीक है ना, फ्लैट फुट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। आपका पैर है ना, पैर भाई जैसे यहाँ पर किसी का बहुत ज़्यादा मतलब पैर उठा हुआ रहता है, पैर के नीचे बहुत ज़्यादा मतलब गड्ढा होता है, तो ये बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए, जैसे ये नॉर्मल इतना होना चाहिए, ठीक है ना, ये नॉर्मल पैरों का मतलब गड्ढा एकदम होना चाहिए, लेकिन पूरा आर पर वाला गड्ढा नहीं होना चाहिए, मतलब आधा आपको इधर आधा आधा पार्ट में आपको गबड़ा होना चाहिए, आधा पार्ट जो है आपका मतलब नॉर्मल होना चाहिए, ये देख सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है ना ये जो देख रहे हो ना ये बिल्कुल फ्लैट है, तो किस किस केस में आप अनफिट हो जाओगे, पहला केस में अनफिट हो जाओगे और दूसरा केस में, बाकी ये बीच वाला केस है ना, सॉरी पहला और लास्ट केस में आप अनफिट हो जाओगे, बीच वाला जो केस है ना इसमें पास हो जाओगे। वही सेम यहाँ भी है, यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ तो चलेगा, ये फिट है, ये भी फिट है। तो भाई कहने मतलब आपको चेक करना है अपने आप को, तो जाइए एक बीकर लीजिए, जैसे एक फर्श पर आप पानी से पैर को अच्छे से भिंगो दीजिए, छिपा होता है या जो थाली होता है, थाली में पानी ले लीजिए, ठीक है ना, थाली में पानी ले लीजिए और भिंगो लीजिए। भिंगाने के बाद पैर को फर्श पर रखिए, आप देख लीजिए कि आपका मतलब पैर का कितना मतलब दागी मतलब कितना ज़्यादा दाग हो रहा है, मतलब इससे आप चेक कर सकते हो फ्लैट फीट, ठीक है ना मेरे दोस्त। इतना हो गया, बाकी आते हैं प्राइवेट पार्ट। भाई प्राइवेट पार्ट में एक चीज़ मैं आपको, जैसे घरों की सफाई करते हो ना तो बस उसी तरीके से आप सफाई मेंटेन कर लेना, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा आपको, ठीक है ना मेरे दोस्त, माफ़ी चाहता हूँ। बस एक सेपरेट वीडियो है प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, हमारे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो है, यहाँ पर देख सकते हो एनएचएल का मेडिकल वेरी हार्ड या प्राइवेट पार्ट चेकअप कैसे होता है। ये जो वीडियो है ना प्लीज़ सिर्फ वाय ही देखना, जितने भी भाई बंधु हैं वही देखना, बाकी ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई फुल रिव्यू है, और ये एक फुल रिव्यू है, जस्ट लाइक मेरी सेल्फ मतलब एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा सेल्फ खुद का एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो आप सभी लोग वही है, देखो यहाँ पर जो मैंने बताया ना, बस ये चीज़ पर मेंटेन करना, ये सब ध्यान रखना, ये DNS हो गया, ये ईयर हो गया, मतलब मेन यही सब चीज़ होता है जो मैं बता रहा हूँ। देखो फ्लैट फिट पर भी वीडियो है, आप फ्लैट फिट कैसे ठीक करोगे, ये सब चीज़ों पर वीडियो है,
आप एक बार देख लो। बाकी और भी चीज़ें होती हैं, मतलब आपके हथेली, हथेली को चेक किया जाता है, पसीना तो नहीं आ रहा है ना, हथेली को चेक किया जाता है, बहुत कुछ और भी चीज़ें चेक किया जाता है। तो मतलब कहने का मतलब मेरे साथियों, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका इंडियन नेवी का मेडिकल होता है ना, ना तो ज़्यादा हार्ड होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिकल होता है क्या, हार्ड मेडिकल होता है क्या और इजी होता है कुछ लोग पूछते हैं क्या, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा मेरे भाई, आप ज़्यादा पैनिक ना होइए। बस ना तो हार्ड होता है ना ही ईजी होता है, बस आपका जो बॉडी होता है ना, पूरी तरीके से आपको बॉडी को चेकअप कर दिया जाता है। आपके हिसाब से नहीं चेक किया जाएगा, वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करेंगे, बाकी आपकी बॉडी उनके हिसाब से फिट होगी तो आपको फिट कर दिया जाएगा। बाकी बात करते हैं कि आपका मेडिकल कौन करेंगे, तो मेडिकल जो होता है ना नेवी के, इंडियन नेवी के आपके ऑफिसर मेडिकल करेंगे। और बाकी देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरीके से ये सर हैं मेडिकल कर रहे हैं, किसी ये सिविलियन है, मतलब कोई भी नेवी सेलर के जैसे फादर हो सकते हैं, मतलब ये सिविलियन के ड्रेस में, तो इस तरीके से जिनका इनका मेडिकल हो रहा है ना, जिस तरीके से ये मेडिकल कर रहे हैं, तो यही सर आप हम लोग को मेडिकल करेंगे। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सर करेंगे, मतलब रैंक हो यही होगा, बाकी मतलब मेडिकल अधिकारी हम लोग को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर यदि दोस्तों आपको और भी जानकारी चाहिए तो नेवीपुर एकेडमी यूट्यूब चैनल को प्लेलिस्ट देखें, मतलब प्लेलिस्ट को आपको देखना है, मेडिकल संबंधित बहुत सारा वीडियो है मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको यूट्यूब पर विजिट करवाता हूँ और दिखाता हूँ, बहुत सारे वीडियो हैं, ये वीडियो तो अभी मैं बना ही रहा हूँ, तो ये वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में रहेगा ना, ठीक है ना। तो बहुत सारा वीडियो है, इवन 20 वीडियो तो होगा ही, एक बार मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर पढ़ना फाइनल मेडिकल INS सील का इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड। जैसा आपको पता है कि नेवी कोस्ट गार्ड का मेडिकल स्टैंडर्ड सेम ही है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, एक ही जगह पे होता है, एक ही लोग करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई, कहने का मतलब यहाँ पर देख सकते हो नेवीपुर एकेडमी के यूट्यूब चैनल कर, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको आना है, यहाँ पर देख सकते हो प्लेलिस्ट में आना है, बाकी आपको स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, बाकी ये जो प्लेलिस्ट है 18 वीडियो है, और ये एक वीडियो डालूंगा, 19 वीडियो, एक दो वीडियो मतलब प्लेलिस्ट में ऐड नहीं है, मतलब 20-25 वीडियो हो गया मेडिकल से रिलेटेड हमारे चैनल पर भाई, इतना वीडियो सफिशिएंट है। और बाकी हम लोगों ने सेल्फ एक्सपीरियंस के बदौलत ये सब चीज़ें बताते हैं। और हाँ देखो, नेवीपुर एकेडमी के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने इतना ज़्यादा रिव्यू दिया है ना अपने स्टूडेंट्स, मतलब अपने मतलब इस चैनल के बारे में कि किस तरीके से ये चैनल काम करता है। जैसे ये देख सकते हो निखिल बिलासपुर से, फिर से पीयूष जो कि यूपी से है, नेवी MR टॉपर है, ये SSR टॉपर है, फिर से ये किसान का बेटा, मतलब SSR ग्रेट, यार क्या बताऊँ, मतलब सब जो भी हैं एकदम पूरा मोटिवेशन है। यहाँ पर देख सकते हो नेवी AA सिलेक्टेड कैंडिडेट, फिर से यहाँ पर AA सिलेक्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, मतलब यहाँ से फिर से मेरा खुद का, यार मैं खुद से अपना जो भी है, कैसे कौन सा बुक अच्छा रहेगा, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, जो भी है ना पूरा यहाँ पर देखो, INS चिल का सिलेक्टेड कैंडिडेट लाइव इंटरव्यू, हम लोग का मतलब पूरा जो भी है ना सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लाइव इंटरव्यू है हम लोग का। यहाँ पर देखो INS चिल का रिपोर्टिंग भाई, जो भी है ना यहाँ पर देखिए, मिली हमारे नेवी सिलेक्टेड स्टूडेंट से, कहना मतलब यहाँ पर सभी चीज़ आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा, एक पूरा प्रॉपर मोटिवेशन सा है भाई। ये नेवीपुर एकेडमी यूट्यूब चैनल है ना, आप सभी लोग तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, पहले आप नेवीपुर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेवी पर्पज़ से, अगर आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरा बात, अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ICG भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आप सभी के लिए ही बनाया हूँ। और हाँ यहाँ पर देख सकते हो कोस्ट गार्ड सेलेक्टेड स्टूडेंट का भी देख लो, यहाँ पर देखो कुछ लोगों का PFT यहाँ पर क्लियर हुआ था, जैसे फाइनल मेडिकल तक सभी लोग गए हैं ऑलमोस्ट, जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया मतलब वो लोग भी हैं, और जिनका नहीं हुआ वो भी हैं। जैसे ये देखो, ये बंदा हैदराबाद से है और इसने अपना फाइनल सिलेक्शन लिया नेवीपुर एकेडमी के थ्रू, अपना इंटरव्यू दिया है, एक बार देख लेना,
भाई ये सब चीज़ें मैं इसलिए डालता हूँ ना, आपको मोटिवेशन मिलेगा। और ये हम लोग का सुमित भाई फेवरेट दोस्त देख सकते हो, बाकी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये भाई का नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, अंकित, हाँ अंकित, ये हरियाणा से तो इसका है अंकित भाटिया नाम है इसका। तो भाई ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो कहने मतलब ये जो वीडियो है प्रॉपर मेडिकल से रिलेटेड था ना, तो मेडिकल से रिलेटेड दोस्तों जितने भी मेडिकल से रिलेटेड आपका डाउट होगा ना, तो ये प्रॉपर नेवी पूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, अपना यहाँ पर देखिए, बहुत सारे वीडियो हैं यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर पूरा कलर विजन टेस्ट कैसे मतलब होता है, क्या होता है, बाकी यहाँ पर देख सकते हो कि मेडिकल कैसे होता है, कैसे प्राइवेट पार्ट चेक होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिव्यू भी है। और दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको सीधे यहाँ पर लाल कलर का बटन आएगा, आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। बाकी हम लोग पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले बताते हैं, और यहाँ पर आपके लाइव डाउट भी क्लियर करते हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। और बाकी आप सभी का बहुत सारे इसमें पॉइंट्स मतलब इसमें नहीं बताया गया, तो वो चीज़ें जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बताया जाएगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट एंड लव यू ऑल द गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।